अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 3 है. और ये जो एग्जांपल है इट इज़ लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे हमने ट्राइंगल्स के ऊपर जितनी बात की है अब तक, ये उससे कुछ हद तक रेलेवेंट है. अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि ट्राइंगल ए बी के एंड ट्राइंगल ए सी के आर कॉन्ग्रुएंट. ए बी के एंड ए सी के, ट्राइंगल ए बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी के. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी नोन है. अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कुछ अगर आप गौर से देखें तो आपको दोनों ट्राइंगल्स में से ट्राइंगल ए बी के की कुछ सीधे गिवन है और कुछ में ए सी के की, जिसमें सी के की लेंथ गिवन है. ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ गिवन है. अब वो क्या कहते हैं, फाइंड करना है एंगल बी ए सी. इट मीन्स दैट दे वांट कंप्लीट एंगल. ठीक है, अगर वो कहते हैं एंगल बी ए के निकालना तो इट मीन्स हाफ एंगल निकालने की बात होती है. बट दे वांट बी ए सी, इट मीन्स दैट जो ये एंगल ए है टोटल ओवरऑल इनको पूरा का पूरा एंगल चाहिए. दे डिडंट वांट बी ए के और सी ए के, इनको कंप्लीट एंगल चाहिए बी ए के सी. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपने माइंड में रखनी है कि इनको कंप्लीट एंगल चाहिए. सेकंड चीज़ द लेंथ बी सी, दे डिडंट वांट बी के, दे डिडंट वांट सी के, दे वांट बी सी. ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ इनको चाहिए. ये कंप्लीट लेंथ रिक्वायर्ड है. हम इसके ऊपर अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सब कुछ कैसे आएगा. पहले तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने गिवन दिया आपको, ए बी के इज़ इक्वल टू ए सी के, यानी कि जो अगर हम थोड़ा सा और करें, और क्या करें कि एंगल बी जो है आपका, ठीक है, बी किसके इक्वलेंट है, इसमें बी इज़ इक्वलेंट टू सी. ठीक है, बी इज़ इक्वलेंट टू सी, तो एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, एंड दिस विल इक्वल टू 62 डिग्री. ये क्या हो जाएगा आपका 62 डिग्री. अंडरस्टैंड दैट, यानी कि बी और सी कॉन्ग्रेंट है, तो ये 62 हो गया, ये 62 हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आपको नहीं पता और ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि हमें कंप्लीट ए चाहिए ना, लेकिन हमें हाफ भी नहीं पता. तो हाफ निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आप ये गौर से देखें, ये 90 का आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये हाफ जो ट्राइंगल है ये 90 है. सिमिलरली ये वाली हाफ भी क्या है, 90 है. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं. तो अगर हम जस्ट ये वाला ए बी के ही हम कंसिडर करें, ठीक है, इफ़ वी जस्ट कंसिडर ए बी के, ठीक है, हम ए बी के कंसिडर करें, तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं. हमें दो एंगल्स गिवन है, एक 62 गिवन है और एक 90 गिवन है. ओहो, हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, हमने एक और फार्मूला भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ, इसको अभी आप थोड़ा इग्नोर करें. हमने एक और फार्मूला पढ़ा था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, और वो क्या था, तीनों एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के, तीन एंगल्स अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ तो उसके तीनों एंगल्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, यानी 90 प्लस 62 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180. सही है, तो अब हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल के दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये जो मैंने एंगल ए लिया है ये हाफ एंगल है, ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा. ये वाला जो एंगल ए है यहाँ पर
इसको मैं डैश डाल देती हूँ, ठीक है, ये ए डैश, ए डैश और ये ए डबल डैश, ये वाला ए डैश होगा और ये हाफ ए डबल डैश, ठीक है, ये 180 डिग्री है। अब मुझे एंगल ए डैश पता नहीं है, जबकि मुझे क्या पता है 62 डिग्री प्लस के भी पता है आपको, के भी पता है, के क्या है 90 है, दैट इज़ 180। अब 180 में से मुझे इन दोनों को माइनस करना है, सही है, 180 में से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो 90 और 90 में से 62 गए, दिस इज़ आई थिंक 28 70 80 हाँ 28 डिग्री बनता है, यानी एंगल ए डैश इज़ 28 डिग्री। अब ये 28 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 28 होगा, ठीक है, अब ये दोनों 28 और 28 होगा, तो एंगल ए ओवरऑल किसके बराबर है, एंगल ए डैश प्लस एंगल ए डबल डैश, इस हाफ़ के और इस हाफ के, ये हम अभी बात कर चुके हैं, इसको हमने एंगल ए डैश लिया और ए डबल डैश लिया, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 28 प्लस 28 एंड इट विल बी 56 डिग्री, यानी एंगल ए हमारा आ गया। फर्स्ट जो हमारी चीज़ थी एंगल ए, या फिर और इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ठीक है, ये कंप्लीट ए है ना, इज इक्वल टू 56 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ ये है कि एज़ वी नो दैट इस ए, अगर हमें जैसे पता है कि ए बी के कॉन्ग्रेंट है ए सी के, तो बी के किसके बराबर होगा, सी के, यानी कि ये वाला बी के दिस इज़ इक्वल टू सी के, सी के 8 सेंटीमीटर है, तो बी के भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड दैट, तो बी सी जो होगा यानी कि ये कम्प्लीट बी सी किसके बराबर होगा, बी के प्लस सी के, बी के प्लस सी के, बी के आपका भी 8 सेंटीमीटर है और सी के भी आपका 8 सेंटीमीटर है, एंड दैट विल बी 16 सेंटीमीटर इन टोटल, ओके। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपके क्वेश्चन में, एक तो आपको एंगल बी ए सी निकालना था और दूसरा आपको लेंथ बी सी निकालनी थी, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, फर्स्ट चीज़ ये है और सेकेंड चीज़ भी हमने ये निकाल लिया। अच्छा तो ये क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक ज़्यादा लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4 करेंगे, मे बी वो इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, बट अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, यानी जो हमने पीछे छोटे छोटे लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर वो आपने ठीक से सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो फिर चाहे जैसा मर्ज़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, डजेंट मैटर, हम ही कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।